बाकी 140वें जन्मदिन पर मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि बा ने पहले एक बहू बनकर, फिर एक सास बनकर और फिर हम सबकी बा बनकर इस परिवार की जो सेवा की है उसके लिए हम सब उनके सदैव ऋणी रहेंगे। मेरी बस ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि वो आपकी डबल सेंचुरी जल्द से जल्द पूरी करें। Mama! I watch TV, yeah. TV, yeah. बस एक बार अंदर जाना चाहता हूँ यार। तू मैडम के ऑफिस में पहुंचेगा ना तो पता चलेगा। मानव और शरा, जानते हो मानव इस देश में कितनी लड़कियां तुम्हारे लिए व्रत रखती हैं। मैंने कहा था ना ये टीवी है, फिल्म नहीं। But I'm so frustrated. ये घर में लोग खाने के अलावा और कुछ सोचते ही नहीं है। एक वीडियो में हो गई गलती, इसका मतलब ये लोग तेरे को पूरे सीजन के लिए कोमा में डाल देंगे। क्या करूं बहन चोद, सभी यात्रियों को सूचना, अगर आपको कोई भी व्यक्ति अनमैरिड, ओवरवर्क और अंडरपेड दिखाई दे तो तुरंत उसकी सूचना नजदीक के पागल खाने में दें। वो व्यक्ति जरूर फिल्म इंडस्ट्री में राइटर होगा। धन्यवाद। कात्यायनी, देखो क्या लाया राम के वास्ते। आज इंटरव्यू दे आएगा वो, अपना नया लैपटॉप देखेगा तो कितना खुश हो जाएगा। आइयो राम आया। रामा देखो तुम्हारे लिए क्या लाया, न्यू लैपटॉप, जॉब पे लेके जाना। डैडी एक्चुअली मैं इंटरव्यू पे गया ही नहीं। व्हाट? डैडी मेरे को इंजीनियर बनने का ही नहीं है, मेरे को राइटर बनने का है। और इंजीनियर बन भी गया तो बहुत खराब इंजीनियर बनेगा, दो चार फुल तो ऐसा ठंडी में गिर ही जाएगा, बारिश का बात ही छोड़। अरे मुत्तू का फैमिली गया बोलेगा, हंसेगा हमारा फैमिली पे, बोलेगा लास्ट ईयर में जाके छोड़ दिया। तू का बाप ने मेरे कमरे में एसी नहीं लगाया, आपने लगाया। ये सोच के लगाया कि बेटा इंजीनियर बनेगा और मेरे कमरे में लगाएगा, रास्कल। लेकिन डैडी मेरा सपना है ही नहीं इंजीनियरिंग, मेरा सपना तो राइटर बनने का है। डैडी डैडी अगर मैं इंजीनियर की जगह राइटर बना तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब बताओ कि प्रॉब्लम क्या है इसमें? 8-10 साल मेरे को धक्का खाना पड़ेगा, पैसा नहीं रहेगा, जेब से पैसा डालना पड़ेगा। लेकिन डैडी मैं खुश रहेगा, आई विल बी सो हैप्पी, यू नो व्हाई? क्यों? क्योंकि आप है ना, आपका रिटायरमेंट में अभी 5 साल बाकी है, 7th पे कमीशन के हिसाब से आपका पेंशन एटलीस्ट 40,000 रुपीज होगा, है ना? तो पेंशन है तो काहे का टेंशन। इस पॉइंट पे आप अम्मा की तरफ देखोगे, अरे आप बोलोगे कात्यायनी ये लैपटॉप क्रोमा में वापस कर दे। क्लोज अप ऑफ अम्मा, इमोशनल, वेरी इमोशनल। कट टू, आप मेरी तरफ देखोगे और आप बोलोगे राम तुम्हारा फिल्म स्कूल का फीस कितना? इमोशनल, गो फॉर इट। I swear, यार नॉक्स, जब से मुझे न्यूज मिली है ना मेरी भूख ही मिट गई है। Yeah, we can see. Yeah, Al. You know, मैंने अपना कल बीपी चेक कराया था। I think मेरे 2 points कम हो गए। You know, I have a feeling मेरा ब्लाउज भी थोड़ा लूज हो गया। रिधि, let's not get into too much detail. बता प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? मेरे शो में 40 साल का लीप हो रहा है। And you're asking me प्रॉब्लम क्या है? Guys, राम कपूर को मेरा बेटा बना रहे हैं। He's going to play my son. What?
Yeah, can you imagine? It's not funny, assholes. ये आवाज कैसी? Please stop this. In the name of Karan Johar, please stop it. Rajiv, तूने अपने रिव्यू में क्या लिखा था? गलती हो गई मैडम. Sorry, please. No, Rajiv. I want you to say it. या चालू करो. No. Please. क्या लिखा था? I'd rather have a root canal than watch one of madam's hurt. Hindi mein Rajiv. Ye sari TV audience. But I don't watch TV, madam. I don't watch. Yeah. But from today, you will. Bol. Kya bol raha tha? Main apne daant ukhadwa lunga. लेकिन मैडम की फिल्म नहीं देखूंगा. चल आज तेरी ये विश भी पूरी कर दे. नो नो नो. ये आरके का फोन आ रहा है. आरके स्पीकर पे डाल. साले कहाँ है तू? तेरी तो अलग ही स्टोरी चल रही है. अरे नथिंग यार, बस एक प्रोजेक्ट चालू है. प्रोजेक्ट? हाँ बताओ. ऐसा कुछ नहीं है, बस छोटा सा प्रोजेक्ट है. मैं तो टैरेंटिनो और गोदार्द की फिल्में देखते देखते क्रांति शर्मा तक कैसे पहुंच गया. हाँ डैम, यू गाइस नो व्हाट, ऐसे चीजें ज्यादा दिन छुपती नहीं है बॉस. अरे मैं तुम लोगों को बताने वाला था यार. क्रांति शर्मा का फोन आया, उसने बोला पैसे देता हूँ. मैंने सोचा चुपचाप कर लो यार, किसी को पता ही नहीं चलेगा. अच्छा सुन आल यार, मैं क्रांति शर्मा के सेट पे हूँ और ये मैडम का ऑफिस तो बाजू में ही है ना. तुम एक काम करना यार, इधर आ जा, क्योंकि मैं आज उससे पैसे निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ यार. ओ भाई आज मेरी डेट है, इसको छोड़ने आया था बस. अरे तू उसको डेट को लेके आना. व्हाट? हाँ. What do you think it's a good idea? I think it's a great idea, man. Take her, yeah. चल मैं आता हूँ. Super यार, thanks यार. All right, man. रिधि डोगरा? वो तो गई डर के. ओके देन नकुल मेहता. नक्स रेडी ना? यू डिसाइडेड? ओके या ऑल द बेस्ट. चल shit. Wanted to stand out, wanted to learn, grow, evolve, not be a rat in a fucking rat race yaar. Par agar chuha hi banna tha to ye artist banne ka natak kyun? Kam se kam ghode ka to budget rakh lete yaar. Aapko dene ke baad ghode ke liye kuch nahi bacha tha sir. Aur sir aapka kaat ke mujhe ghode ko dena theek nahi laga sir. Tumne to bhi kaha ke tum aur tumhari mummy Mahabharat dekha karte the. Are you out of your mind? Mahabharat ko Saas Bahu ke serial se kaise compare kar sakte ho? Shit. But baby Saas Bahu is good. Saas Bahu is great. You know, I'm really thankful to you for everything you've done for me. और कुछ नहीं है मेरे पास आपको देने के लिए अभी. Need a break. I have to follow my dreams. Nice T-shirt, huh? Cool, thanks, man. Cheers. No, mine. I changed it last week, dude. Since you like, I don't watch TV. One sec, how do you assume that they'll like it? Of course they do. They've got good taste. No, I think they love it, yeah. Dude. That's true. So if since and if and we assume you do love our video so much, I think you must share it on Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp with your neighbor, with your bhai, with your neighbors, chachas, uncles, multiple girlfriends and yeah. Everyone, just chicks need to see this. And listen, also subscribe to our YouTube channel, Array, of course it's called Array. And
And definitely stay tuned for more because we've got lots of more shady stuff coming up. Yeah. Like, subscribe and enjoy.